हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ WS क्यूब टेक। मैं पूजा मुथा। आज हम लोग देखने वाले हैं डिटेक्टिंग स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ बोतल का एग्जांपल। हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ बोतल के बारे में। तो अब यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर बोतल्स कुछ खड़ी है, एक गिरी हुई और दो हमारी वापस खड़ी है। यहाँ पे मैंने दो सेंसर्स दिए, X1 और X0। X1 और X0 जो है मेरे इनपुट्स है। X1 जो है डिटेक्ट करेगा मेरी बोतल की नेक की, यानी कि बोतल जब स्टैंडिंग है। X0 है जब वो डिटेक्ट करेगा तब मेरी बोतल का बॉटम डिटेक्ट होगा, यानी कि बोतल जब गिरी हुई है। तो जो मेरा X0 होगा वो होगा मेरा NO, X1 जो होगा वो होगा NC और जो मेरा Y होगा वो आउटपुट। Y जो है पुशिंग पोल है। जब मेरा X0 डिटेक्ट करेगा बॉटम तब Y0 है बोतल को पुश कर देगा। तो हमारा जो इसका लैडर डायग्राम बनेगा वो होगा X0, X1 एंड आउटपुट। और इसकी जो एड्रेसिंग होगी वो होगी I:0/0, I:0/1 एंड O:0/0, X0, X1 एंड Y। अब इसका जो हम है लिए लैडर डायग्राम हम लोग देखेंगे RS Logix 500। तो अब हम लोग ओपन करेंगे RS Logix 500। आज हम लोग जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो है बोतल की स्टैंडिंग पोजीशन को डिटेक्ट करने का। तो उसके लिए पहले हम लोग न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे। न्यू फाइल के अंदर हम लोग हमारे प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे जो कि है माइक्रो लॉजिक्स 1100 सीरीज बी। सेलेक्ट किए और ओके किए। अब हमारे पास विंडो ओपन हुई जो कि है लैडर 2, जो कि यूजर के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए दी जाती है। लैडर 3 से लेकर 255 तक हम लोग सब रूटीन फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो हम लोग रंग सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हम लोग एक लेंगे X0 सेंसर, एक X1 सेंसर और एक आउटपुट। जो मेरा X0 सेंसर है वो ये सेंस करता है कि मेरी बोतल का बॉटम डिटेक्शन, यानी कि जब मेरी बोतल गिर चुकी है तब मेरा जो X0 है वो ऑन होगा और जैसे ही वो ऑन होता है मेरा Y0 यानी कि आउटपुट ऑन होगा और उस समय जो मेरा Y0 है यानी कि पुशिंग एलिमेंट है वो बोतल जो गिरी उसको साइड में कर देगा। और जो मेरा सेकंड स्विच है यानी कि X1 सेंसर वो ये डिटेक्ट करता है मेरे बोतल की स्टैंडिंग पोजीशन। मेरी बोतल जब तक खड़ी है तब तक मेरा जो X1 सेंसर है वो ऑन रहेगा, जैसे ही मेरी बोतल गिर जाती है मेरा X0 सेंसर ऑन होगा और मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम लोग एड्रेसिंग करेंगे। जो फर्स्ट है उसकी करेंगे I:0/0, वो है मेरा X0 सेंसर। और जो मेरा सेकंड है वो है I:0/1, ये है मेरा X1 सेंसर। और जो मेरा आउटपुट है वो है O:0/0 और इसको मैं दे दिया पुशिंग एलिमेंट Y। तो जो मेरा X1 है वो हमेशा ऑन रहेगा, मींस जैसे मेरी जो बोतल है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगी। अब हम लोग इसको देखेंगे PLC के ऊपर डाउनलोड करें। तो हम लोग प्रोसेसर स्टेटस में जाएंगे, उसके बाद हम लोग एरो पे क्लिक किया डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के लिए फिर हम लोग सेव करेंगे हमारे डिजायर्ड लोकेशन पे। तो हम मैंने इसको नाम दिया अब स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ बोतल, पोजीशन ऑफ बोतल। अब डाउनलोड के लिए यस करेंगे, रिमोट रन के लिए भी यस, रन मोड के लिए भी यस और ऑनलाइन जाने के लिए भी यस। अब ये है मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल। तो जैसे ही मेरी जब बोतल है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तब मेरा X1 ऑन रहना चाहिए, मींस मैंने इसके लिए लिया है NC स्विच, यानी कि वो पहले से ऑन है। अब जैसे ही मेरी बोतल गिरी यानी कि मेरा जो X0 सेंसर है वो ऑन होना चाहिए, जैसे ही ऑन हुआ मेरा जो पुशिंग एलिमेंट है वो ऑन हो जाएगा और जो मेरी बोतल जो गिर चुकी है उसको हटा देगा। अब ये एग्जांपल जो है इसी तरीके से हम लोग और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू।